वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और आज क्या सीखें, मेरे पास इस वक्त इतनी खूबसूरत सी कैंडल्स हैं, कुछ कोस्टर्स हैं, और ये कौन बना रही हैं भला, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अनुशिया जैनब से, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं एंड शी इज़ दी ओनर ऑफ ब्रियो पी के। सेंटेड कैंडल्स भी हैं इसमें, होम डेकोर भी है, स्क्रप्चर कैंडल्स भी हैं, सिरेमिक्स भी हैं, इसके अलावा हैंड पोर्ड हैं ब्लेंडेड विद सोए वैक्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपका इंस्टाग्राम पेज जो है ना, वो ऐसा देखने में लगता है कि इट्स लाइक इट्स अनबिलीवेबल कि इतनी खूबसूरत कैंडल्स हो सकती हैं, मगर यहाँ पे हैं ऐसी कैंडल्स जो आप लेकर आई हैं। yes. so, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पेज पर जाके हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं कैंडल्स सोए वैक्स की। सो वी हैव कैंडल्स, वी हैव अनसेंटेड एंड सेंटेड बोथ, एंड उसमें फिर आप कलर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वी हैव अ लिस्ट ऑफ कलर्स जिसमें सब कैंडल्स बनती हैं, एंड यू ऑल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ सेंट्स जिसमें लाइक whichever scent you like, आप वो scent उसमें customize करवा सकते हैं। And apart from candles, we have ceramics, जिसमें there is a cloud tray and coasters like these are all cemented. So आप इनको as a trinket tray भी use कर सकते हैं to put jewelry on these, या फिर आप इनको as a candle tray भी use कर सकते हैं, it's totally up to you. Nice. Wow, इसको अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें, कोई ज्वेलरी रख लें, ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स एनी प्रोडक्ट, एंड एज अ ट्रे लाइक यू सेड, ये एज अ कोस्टर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सो यहाँ पे और भी कुछ कोस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, और एक मुझे बहुत क्यूट सा, दिस इज आई थिंक माय फेवरेट वन, एकदम मैंने देखा मुझे लगा कुछ फरी फरी सी ये चीज है, सो दिस इज ऑल्सो अ कैंडल। ये आप जरा देखें, इतनी खूबसूरत एक कैंडल है यहाँ पे फॉर पीपल हु लव एनिमल्स, और कभी अगर क्रिसमस ट्री वाला कोई टाइम ऐसा चल रहा हो उसके लिए यहाँ पे कैंडल है। इसके साथ साथ रोज शेप हमारे पास है, सी शेल वाला हमारे पास शेप है, ये क्या चीज़ है अनुषा? सो बेसिकली आई वॉन्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट कि मैं किस तरह अनमोल्ड करती हूँ कैंडल्स को। ठीक है, सो बेसिकली जो भी कैंडल्स हैं या जो भी कोस्टर्स हैं, इनके मोल्ड्स आते हैं लाइक दीज, एंड वेन यू आर डन पोरिंग द मिक्सचर इन दीज एंड यू वेट फॉर इट टू हार्डन अप, उसके बाद फिर आप इनको अनमोल्ड करते हैं। ठीक है, सो वो फिर मैं यहाँ दिखाऊंगी। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इससे पहले कि आप इसको अनमोल्ड करके दिखाएं, कि ये जो कैंडल है ना, ये इतनी आजकल ट्रेंडी है, जैसे ही इंस्टाग्राम खुलता है स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, ये कैंडल जो है ना वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसके बबल, इसका नाम क्या होता है अनुषा? इट्स अ बबल क्यूब। बबल क्यूब, राइट, बबल क्यूब। सो ये अगर आप लेंगे, मुझे नहीं पता आप कभी जलाएंगे या नहीं सिंस इट्स सो ब्यूटीफुल, लेकिन ये जो है ना वो लेनी बनती है बिकॉज दिस इज द ट्रेंडीएस्ट कैंडल दैट आई सी कहीं भी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इससे पहले कि हम अनमोल्ड करके दिखाएं, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये कोस्टर है सिरेमिक, सो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा छोटे भी यहाँ पर ये सिरेमिक्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एंड अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा अनुषा कि कौन कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि कॉमन है और लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं उनका। ओके, सो जैस्मिन इज़ अ वेरी कॉमन सेंट बिकॉज उस जनरली बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, इट्स वेरी स्वीट जैस्मिन फ्रेग्रेंस। एंड उसके अलावा आई हैव अदर ऑप्शंस जो कि आर न्यू इन द मार्केट एंड दे आर डिफरेंट। कौन सी? वी हैव ब्लैक मॉस, ब्लैक कोरल एंड मॉस, इट्स वेरी, इट्स लाइक अ, इट्स सिमिलर टू मेंस कोलोन, सो इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट एनीथिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दीज टू any male person, उनके लिए वो scent बहुत अच्छा रहता है। देन उसके अलावा वी हैव सी सॉल्ट इन ऑर्किड, इट्स अगेन इट्स वेरी फ्रेश, वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स लाइक सी सॉल्ट। एंड देन देयर इज अनदर सेंट दैट वी हैव, इट्स रात की रानी, इट्स अगेन अ काइंड ऑफ जैस्मिन but it's a little different from the regular. बिल्कुल, रात की रानी तो कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान से इस वक्त हमारा शो देख रहे हो या आप पाकिस्तानी हो और आपको रात की रानी का ना पता हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई कैंडल्स, आई एम नॉट अ कैंडल पर्सन। मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप हमारी कल्चर में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं, राइट, और वो जब मेहमान आने वाला होता है उससे पहले जो हम बिरयानियाँ और निहारियाँ कोमे बना के रख देते हैं, पूरा घर उससे महक रहा होता है। सो एक बार जब आपने खाना बना के रख दिया गेस्ट के आने से पहले, और अगर आप कोई कैंडल जला दें, एक जो वॉशरूम है जिसमें सबने जाना है उसमें कैंडल रख दी जाए, किचन में रख दी जाए, तो वो तमाम खाने की महक जो है ना वो डिसअपीयर हो जाती है। और मुझे ये भी बताइएगा अनुषा, फिर उसके बाद हम जो है उसको अनमोल करेंगे कि अनुषिया, अनुषिया, राइट, अनुषिया, मुझे ये भी बताइएगा कि
सोए वैक्स की जो कैंडल्स होती हैं क्या वो बेहतर क्वालिटी की होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ वैक्सेस? ओके, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोए वैक्स इन द मार्केट एंड उसमें फिर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि किस तरह की आप कैंडल बना रहे हैं उसके लिए कौन सी सोए वैक्स इज बेटर. सिंस आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल ऑफ दिस सो आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन द लुक्स बिकॉज दीज आर नॉट जार कैंडल्स. ठीक है, तो इनका सारा लुक सामने से नजर आना होता है. सो देर इज वन सोए वैक्स दैट आई यूज्ड एंड इट्स वेरी नीट, इट्स इको फ्रेंडली एंड उसमें फिर लुक भी बहुत अच्छी आती है कैंडल. ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो मोल्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं इनमें से कोई से भी मोल्ड से आप निकाल के दिखाएं किस तरह से जो है वो आपने इसको पिघलाया. राइट, यस, आप इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए और इसको निकाल के भी. सो वी टेक द वैक्स एंड फिर जब इट्स ऑल हीटेड अप उसके बाद इट रीचेज द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड उसके बाद फिर आप इसको मोल्ड में पोर करते हैं एंड अराउंड 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको प्रॉपरली क्योर अप होने में, हार्डन अप होने में एंड उसके बाद फिर इसको अनमोल्ड कर देते हैं. अच्छा, ये मुझे बताइए अनुषिया कि ये मोल्ड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? कैंडल ही के मोल्ड्स होते हैं जी? आप इसमें सोप्स भी बना सकते हैं और कैंडल्स भी बना सकते हैं. और ये मिल जाते हैं आराम से ऑनलाइन? जी, ऑनलाइन आराम से मिल जाते हैं. ठीक है, और ये रबर बैंड के क्या रॉकेट साइंस है ये बताएंगी? ओके, सो बेसिकली दीज आर 2 पीसेस. ठीक है, तो सिंस द वैक्स जब पोर की जाती है इट्स इन लिक्विड फॉर्म तो इसको प्रॉपरली टाई अप किया जाता है ताकि वो लीक ना करे. ठीक है, सो हम इसको अगर थोड़ा सा निकाल के हम दिखाएं फिर हम और भी यहाँ पे चीजें दिखाते हैं. सो लेट्स सी कि ये जब जम गई है इसको निकालेंगे. बड़ा एक डेलिकेसी वाला, बड़ा मेहनत वाला काम है, प्रिसिशन वाला बाय द वे. अच्छा जी, आप इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. मैं बता देती हूँ ब्रियो पी के सेंटेड कैंडल्स हैं, कोस्टर्स हैं इनके पास एंड कस्टमाइज आप कर सकती हैं. अब ये जो मोल्ड है ये यहाँ पर खुल रहा है और ओ नाइस. कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेंगी? यस, वंस यू आर डन अनमोल्डिंग इट इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा विक है लाइक दिस आप इसको फिर कट कर देते हैं. इफ इट नीड्स अ लिटिल क्लीनिंग अप दैट इज व्हाट आई विल डू. आई हैव अ सीजर हियर. ठीक है, ये देखें कितना कितनी खूबसूरत सी शेल आपके सामने इस वाले मोल्ड से ये निकली है जिसका हाफ पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ. नीचे से कट हो रही है सो दैट इट कैन स्टैंड इजीली ऑन इट्स ओन लाइक दिस. और इसको हम करेंगे कट जो नहीं, मैं इसको फिर टाई अप कर देती हूँ. हाँ, जैसे मैंने बाकी कैंडल्स को किया हुआ है. अच्छा, तो अनुषा मुझे ये बताएं आस्किंग एज अ ले मैन ले पर्सन कि अगर हम इसको टाई अप ना करें और वैसे ही इसको थोड़ा सा काट दें ज्यादा बेहतर, आप क्या कहते हैं? दोनों ऑप्शंस हैं. आई थिंक दिस लुक्स बेटर अगर हम एस्थेटिक्स में भी देखें. एंड इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द विक कट टू अराउंड हाफ और 1/4 of an inch तो उसमें अगर विक कभी डैमेज हो गई तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा विक नहीं है. सो इसमें यू ओनली नीड टू कट दिस व्हेन यू आर अबाउट टू बर्न इट. इसमें विक भी आपकी सेफ रहती है. ठीक है, या एंड अगर आपने कट करनी है दैट इज ओके टू. ठीक है, जलाने से पहले ऑफ कोर्स आप इसको काट लें और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, लेकिन अगर आपको ऐसे ही किसी भी जगह पे डेकोर के लिए रखनी है तो फिर आपको इसको जो है वो ऐसे नॉट बना के रख लें तो वो ज़्यादा जो है ना वो एक सेफ चीज़ रहेगी. यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स, नॉन सेंटेड कैंडल्स जो है वो बना रही थी और इन्होंने हमें जो है वो मोल्ड से निकाल के दिखाई कैंडल. और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो कैंडल आप निकालेंगे उससे पहले थोड़ा सा अगर हम प्राइसिंग पर बात करें कि ये जो क्यूटी सा है इसकी क्या प्राइस है, जो कि हमारे सारे टीम मेंबर्स को बड़ा पसंद आ रहा था, इसको अगर कोई खरीदना चाहे? सो यू हैव 2 ऑप्शंस. अगर आप अनसेंटेड लेते हैं सो दैट इज़ फॉर ₹850 एंड इफ़ यू गेट दिस एज सेंटेड तो दैट इज़ फॉर ₹1250. ठीक है, सो ये 850 का अनसेंटेड है, 1250 का जो है वो सेंटेड है. इसके अलावा अगर इसको हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें, द टेडी इज़ फॉर ₹900 अनसेंटेड एंड ₹1400 सेंटेड. ठीक है, और ये वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली आपने बनाई थी आई लव यू वाली कैंडल, अगर ये कोई खरीदना चाहे तो दिस इज़ फॉर ₹800. सही है, और ये जो छोटी छोटी सी शेल्स वाली हैं जिनमें से भी आपने एक निकाल के भी दिखाई थी इसकी प्राइस क्या है? दैट इज़ फॉर ₹450 अनसेंटेड एंड ₹550 सेंटेड. वाओ, आपको तो प्राइसेस याद है. अमूमन जब भी आज का सीखे में हम किसी से पूछते हैं वो कहते हैं डिपेंड करता है, फिर मैं कहती हूँ इस वाली चीज़ की प्राइस बता दें, वो कहते हैं फिर भी डिपेंड करता है. तो आपको तो बिल्कुल याद है. और ये जो आपने मुझे बताया था इसका नाम है The bubble cube is for ₹800 unscented and ₹1350 scented. ठीक है,
और ये जो फ्लावर वाली है 750 and 950 वाली. अच्छा जी, यहाँ पे ये कोस्टर्स भी हमारे पास हैं और ये मैं ट्रे की प्राइस पूछना चाहती हूँ आपसे. ओके, सो दिस ट्रे इफ यू गेट इट इन एनी वाइट और पेस्टल कलर दैट इज ₹4,750 एंड अगर इसको हम ब्लैक में लेते हैं सो उसके फिर थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस हैं. अच्छा, ब्लैक के एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि आप इसको निकालेंगी इस मोल्ड में से. ओके, सो लेट्स जस्ट एंजॉय. ये जो राउंड वाली है और ये कौन सी शेप होगी, किस चीज की? ये आप देखिएगा, ये बिकॉज अभी मेरे पास इसमें नहीं है. गेस करते हैं, डिजाइन हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. गेस करते हैं, सिंपल राउंड या फिर कुछ और? नहीं, नीचे जो है ना उसके कुछ काइंड ऑफ एम्बोसमेंट चल रही है, सो लेट्स सी के ऊपर क्या है. जब तक हम सब गेस करते हैं, इट कुड बी अ फ्लावर. आप लोग भी गेस करें, सोचें क्या निकलेगा. कोई इसको जरा यहाँ पे ज़ूम करें कि ये मोल्ड था और इस मोल्ड में से ये है द सन एंड द मून. द सन एंड द मून, सो ब्यूटिफुल. और इसकी क्या प्राइस है अनुषिया? दिस इज ₹4,550 अनसेंटेड एंड ₹750 सेंटेड. ओह, इट्स वन ऑफ अ काइंड. ये कैंडल मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, सन एंड मून वाली. इट्स सो नाइस. वाह, आप इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं. मैं पेज का लिंक बता देती हूँ, ब्रियो पी के. तो ये इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, बताइएगा प्लीज़. यस, इट्स नॉट ऑन फेसबुक एज येट, बट वी हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ब्रियो पी के नाम से. सो आप उस पर फिर हमको मैसेज कर सकते हैं जो भी आपका ऑर्डर है, एनी कलर कस्टमाइजेशन, एनी सेंट कस्टमाइजेशन, उस पर सारी प्राइस की डिटेल्स. So, आपको सारी डिटेल्स उस पर मिल जाएंगी, ठीक है. और जो डिलीवरी है वो आप क्या सिर्फ कराची में करते हैं या फिर आप जो है वो कंट्री वाइड करते हैं? नो, वी आर डिलीवरिंग नेशन वाइड. सिर्फ ये वाली ट्रे जो है ये हमने थोड़ा टाइम पहले लॉन्च की थी, ठीक है. सो इसकी अभी पैकेजिंग में थोड़ा और लाइक वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद मोर पैकेजिंग मटीरियल. सो दिस इज फॉर कराची ओनली एट द मोमेंट, बट बाकी सारा नेशन वाइड. क्योंकि वो सिरेमिक है और वो टूटने का खतरा हो, इट्स अ लिटिल बिगर इन साइज, तो बाकी सब जितने भी कोस्टर्स हैं दैट गोज नेशन वाइड, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे ये आपके पास एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का मोल्ड है, सो इस तरह की और कौन कौन सी शेप्स हैं जो इस वक्त ना हो लेकिन आपके पास मौजूद हैं वो शेप्स कैंडल्स में? आप पेज पे भी चेक कर सकते हैं, बट वी हैव ज्योमेट्रिक शेप्स, जैसे एक ज्योमेट्रिक पियर है, वो है. देन वी हैव सिंपल स्टैंडिंग पिलर्स, दे आर रिब्ड फ्रॉम द साइड्स. तो बिकॉज बहुत दफ़ा लोगों को थोड़े डेकोरेटिव पीसेस से ज़्यादा दे नीड समथिंग मोर क्लासिकल, मोर लग्जरियस, ठीक है. सो वो लोग फिर सिंपल कैंडल्स पसंद करते हैं, ठीक. सो वी ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन. अच्छा, और मुझे ये भी बताइए अनुषा, कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या चले सही है बिजनेस भी नहीं करना चाहता, बस कैंडल्स बनाना चाहता है, तो इस किस्म के ये फन मोल्ड्स उनको कहाँ से मिल सकते हैं? पाकिस्तान से मिलते हैं ऑनलाइन, सच बताइएगा, या बाहर से मिलते हैं? डिफरेंट शेप्स हैं, आपको ये दराज से भी मिल सकते हैं और आप इनको अली एक्सप्रेस से भी मंगवा सकते हैं, बट मेनली आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे. ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता, उन्होंने कुछ करना है, कुछ आर्ट करना है, कुछ नया सीखना है, तो आई थिंक कैंडल मेकिंग इज एक्सट्रीमली थेरेप्यूटिक. जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे अनुषा? मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रूल्स नहीं होते. जिस तरह भी आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई भी आर्ट पीस कर सकते हैं, बस आप करें एंड इट विल बी अप्रिशिएटेड. आर्ट है ही ऐसा. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनुषा आपका. और हम हमेशा कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, तो अगर आपको कैंडल मेकिंग में इंटरेस्ट है उसको सीखिए, मोल्ड्स बनवा लीजिए ऑनलाइन, बता चुकी है अनुषा कैसे बनवाने हैं, एंड जस्ट स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट, पहले सेंट के बगैर फिर सेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यू माइट बी एन एंटरप्रेन्योर. इसी नोट के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब खुदाओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.